मोहम्मद अहमद आपको एक गिफ्ट दूं, गिफ्ट दूं, ब्लू गाड़ी। वाओ खोलूं? आपको अच्छी लगी गाड़ी? हाँ ये देखो मैं खोल देता हूँ। कौन से कलर की गाड़ी है? ब्लू गाड़ी है। आपको अच्छी लगती है? हाँ हाँ माशाल्लाह। इसको हम खोल के देते हैं भाई। और ये आ गई गाड़ी बाहर। वाओ ये देखिए भाई, अच्छी लगी आपको? हाँ माशाल्लाह। ले मोहम्मद अहमद, इसको आप डस्टबिन में डाल दें। ठीक है, डाल देंगे। ओके वेरी गुड। ये लो। और ये इस बैग के अंदर से इसका फेवरेट बिस्किट भी निकला है। खाना है क्या आपको? खाना है आपको? नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, ये मैं नहीं दूंगा आपको। नहीं नहीं ये मैं नहीं दे सकता आपको। ले लिया मेरा से, पकड़ो। खोलूं इसको मैं? आपको खाना है? ये लो हैप्पी। अब्दुल कबीर भी स्कूल से आ गया है और फ्रेश होके तैयार हो गया। अब्दुल कबीर आपको भी कुछ दूं मैं? दूं आपको, ये लो। वाओ आपकी भी छोटी सी गाड़ी है यार, ये देखो ब्लू और ब्लैक कलर की। सही है, खोल दो इसको। हाँ वाओ भाई स्पोर्ट्स कार है ये लो। ठीक है थोड़ी सी छोटी सी लेकिन गुजारा कर लेना। आज हम कौन सी घड़ी पहने, गार्मिन या अल्ट्रा? चार्ज कितनी है? 96, यही पहनेंगे अल्ट्रा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मजे में भाई। इस वक्त मैं शारा फैसल पे घूम रहा हूँ। देखें आय हाय हाय क्या मौसम हो रहा है। इस दफा जो है ना बारिश ने हमें बहुत तरसाया, बहुत तड़पाया, लेकिन फिर भी नहीं हुई यहाँ पे बारिश। आप लोगों से भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग बताएं कमेंट के अंदर, कंट्री का नाम लिखें जहां आप लोग चाहते हैं कि आपका भाई जो है ना अगली ट्रैवलिंग अपनी जो है ना प्लान करे। ठीक है, इससे भी पहले मतलब ये तो आइडिया आपने मुझे लाजमी देना है, इससे भी पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि भाई जान एक जगह का वीजा तो आपके भाई ने डाल दिया है। सही है, तैयार हो जाए, जल्दी लेके जा रहा हूँ आप लोगों को एक और इंटरनेशनल ट्रिप पे। मजा आ जाएगा आप लोगों को। और अभी आपका भाई जो है ना जा रहा है शॉप पे। सही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज कंप्लीट हो गया तो कल इंशाल्लाह कुरान खाने की तैयारी करेंगे। वो आगा खान का ग्राउंड मुझे बुला रहा है, बोला मुस्तफा आ जाओ यार, वॉक करो वॉक करो। भाई आता हूँ थोड़ी देर में, आता हूँ। चले जी पहुंच गए शॉप पे। तो भाई स्टेटस कुछ इस तरह है कि देखें फाइनल पेंट वर्क चल रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये फाइनल पेंट लगेगा इसके ऊपर, तो इसकी तैयारी चल रही है सारी। अंदर लेके चलते हैं आपको, अंदर क्या क्या काम हुआ है वो दिखाते हैं आपको। मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये अंदर नहीं बाहर खुलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है। तो अभी तक का स्टेटस ये है कि ये जो है ना ये दीवार पे लग चुका है, लेकिन इसके आगे के जो है ना इस तरह डॉट्स भी लगने थे, 1 2 3 डॉट्स, जो कि रात में कहीं आगे पीछे हो गए थे, तो वो अभी दोबारा बनवा के जो है ना यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, एक काम ये, और दूसरा काम ये कि यहाँ पे जो है ना ग्लास रैक लगना है, वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज लगने वाला है। अभी वो बनने के लिए गया हुआ है। और लाइट्स अभी जो है ना कुछ इंस्टॉल हो रही है, वो देखें, एक वहाँ पे सामने लाइट लग गई है, एक ये अभी लाइट और बढ़ा दी है, और एक वो लाइट है अभी उसका जो है ना कनेक्शन नहीं दिया, उसका कनेक्शन दे रहे हैं। और ये देखें भाई, ये जो है ना स्क्रीन्स यहाँ पे लग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। अब जो है ना इनको जो है वो थोड़ा सा सेट करना है, एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, थोड़ी ऊपर नीचे हुई भी है। और इसके अलावा एक और जो है ना अभी यहाँ पे वुडन पूरा लाइट बॉक्स लग रहा है, वो आपको दिखाते हैं जैसे ही लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? देखें यहाँ पे अचानक छापा मारने का ये फायदा होता है कि पता चल जाता है कि आपकी टीम कहाँ गायब हुई। जी भाईजान कहाँ गए? देखिए देखिए ये जो अल्फाज जो है ना सारे भूल गए ना, ये बस समझ जाए आप लोग, समझ जाए भाई। अभी ये जो स्क्रीन यहाँ पे लगी है ना, सही है, इसका टेस्टिंग कर रहे हैं हम कि मेन्यू इसके ऊपर किस तरह चलेगा। ये देखें भाई मेन्यू जो है ना कुछ इस तरीके से चलने वाला है हमारा। सही है, अभी ये टेस्टिंग के लिए चला रहे हैं हम, ये किसी और का मेन्यू चल रहा है ना, हमारे पास कोई बारबेक्यू, कोई चिकन, कोई बीफ बॉडी नहीं है भाई, हमारा बिल्कुल डिफरेंट सीन है। सेम इसी तरीके का जो है ना अभी हम अपना मेन्यू बनवा रहे हैं इसके ऊपर। फरहान भाई ये मटका बिरयानी देख के भूख तो नहीं लग रही आपको? लग रही है ना? हाँ बस सही करते हैं कुछ इंशाल्लाह। और ये है भाईजान मेल्टिंग मशीन, ये क्या मेल्ट करती है, इसके अंदर होंगे मजे मजे के डिप, आप समझे, जिसके अंदर ऐसे आपकी आइसक्रीम जाएगी और ऐसे निकाल के जो है ना हम लोग आपको पेश कर देंगे मजे मजे के चॉकलेट ऑकलेट, और ये जो है ना सारे डिप होंगे इसके अंदर। तो ये मेल्टिंग मशीन ली है हमने। रात के 9 बज गए हैं, डिनर ब्रेक पे घर पे आया हूँ। पिछले 3-4 घंटे बहुत स्ट्रेस वाले, बहुत टेंशन वाले गुजरे हैं, काम ही नहीं होके दे रहा, बहुत लेट कर रहे थे ये लोग काम, तो बस अभी खाना वाना खा के फिर जाऊंगा। मोहम्मद अहमद किसके बेटे हो? पापा। मेरे अप्पा। सारा स्ट्रेस खत्म, सारी टेंशन खत्म भाई। 10-15 मिनट के लिए आपके भाई ने कमर सीधी की है, सही है। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ दुकान पे, क्योंकि आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह तैयार होने वाली है दुकान हमारी। सही है, आज हम आपको
पूरी दुकान का टूर जो है ना देके ही घर जाएंगे और व्लॉग एंड करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब भैया कहाँ हैं? सो गया भैया? ओए होए मजा नहीं आ रहा भैया के बगैर। चाबी तो पापा जा रहे हैं, ठीक है थैंक यू। मोहम्मद अहमद अप्पा जा रहे हैं, ठीक है। आप क्या खा रहे हो? अबू जी क्या छील के दे रहे हैं आपको? क्या दे रहे हैं? लिसिप नहीं बोलते इसको, पिस्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो सही से, बोलो पिस्ते। कल इंशाल्लाह हम लोग कुरान खानी करवा रहे हैं दुकान में, तो चिकन बिरयानी रखवानी चाहिए या बीफ बिरयानी, आप लोग बताएं। और ये पहुंच गए भाई हम दुकान पे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही मैं अभी दुकान के पास पहुंचा ना तो एक बच्चा आया, मुस्तफा भाई ये देखे मैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज लेके आया हूँ फुल मसाले वाले बनवा के। देख रहे हैं ये जो बच्चों का प्यार होता है ना यार, इसकी बात और होती है। देख रहे हैं आ हा हा, बड़े मजेदार लग रहे हैं, जरूर खाएंगे हम और दोस्तों को भी खिलाएंगे। ये फ्रेंच फ्राइज आ गए भाई, निपटाए निपटाए। और भाई हमारी जो है ना प्रिंटेड कैप्स और टी शर्ट्स भी आ गई, वो आपको दिखाते हैं। ये चेक करें भाई क्या बात है, जबरदस्त। अबे निकल जा भाई निकल जा। ये देखें भाई वी आई पी पॉपसिकल्स येलो कलर की जो है ना कैप्स बन के आई हैं। और दिखाइएगा जरा टी शर्ट, ये फरहान भाई जो है ना कल से टी शर्ट के अंदर नजर आएंगे आपको, हल्के ही नहीं आएंगे। वाह भाई वाह। अच्छा ये क्या, ये निकल जाएगा इसके ऊपर ना, ये निकल जाएगा। अच्छा भाई ये पोलो नेक जो है ना टी शर्ट बनवाई है, देखें भाई ये है वी आई पी पॉपसिकल ना, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। रात के इस वक्त 12 बज चुके हैं और अभी जो है ना ये देखें एक लाइट यहाँ पे लग गई है सही है, और दूसरी लाइट जो है ना यहाँ पे लगेगी ताकि जो पूरा रेड कलर का जो बोर्ड है ना ये भी थोड़ा सा ग्लो हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें भाई दूसरी लाइट भी लगे जी भाई, ओके ओके भाई ओके माशाल्लाह सही हो गया, बेहतरीन हो गया। अब जो है ना आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं, ज़रा टूर कराते हैं, ठीक है। अभी भी कुछ चीज़ें जो है ना रहती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये है कि वो कुछ चीज़ें इंशाल्लाह कल हो जाएंगी कंप्लीट। ये देखें भाई अभी तक हमने आपको खुल के नहीं दिखाया था सब कुछ। ये राइट वाली वॉल है, इसके ऊपर हमने इस तरह पॉपसिकल्स वगैरह बनाई हुई हैं, और यहाँ पे जो है वो हमने इस वॉल के ऊपर दिया हुआ है सही है। इसके डॉट्स भी आज हमें मिल गए तो ये भी काम कंप्लीट हो गया। ये ऊपर की लाइट्स आपने देख ली ऑलरेडी सारी, जिस तरह हम लोग आपको दिखा रहे थे रोज़ाना। ये जो है ना शीशे का पूरा जो है वो हमने रैक बनाया था, इसके अंदर हमारी कुछ प्लानिंग है अभी सही है, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह सही है। बाकी ये है कि सफाई वगैरह तकरीबन हो गई, लेकिन कल अभी प्रॉपरली होनी है। फ्रिज वगैरह हमने ऑन कर दिए सारे, ये लोगो हमने अभी तक छुपा के रखा था वी आई वी पॉपसिकल्स का, ये जो है वो आपको अब दिखा दिया हमने। लेकिन इसके अंदर लाइट्स लगनी है वो अभी नहीं लग सकी हैं, वो कल लगेंगी क्योंकि काम आपको पता है कि रोजाना डिले 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 डिले। और ये देखें ये हमने जो स्क्रीन है ना वो पहले बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई थी, अब जो है ना हमने इसको थोड़ा सा नीचे उतार दिया ताकि कस्टमर यहाँ पे खड़ा होकर जब ऑर्डर देगा ना तो ईजिली देख सके। मतलब पहले उसको यूं करके देखना पड़ा था, अब जो है ना वो मतलब थोड़ा सा ऊपर करेगा तो उसको नजर आ जाएगा। ये सीन है भाई सारा सही है। तो ये एक स्क्रीन है सीसीटीवी कैमरा की, इसको हम जो है चेंज कराएंगे, ये बहुत ही पुराने स्टाइल की लग रही है। बाकी ये सारा सीन है शॉप का सही है। अभी कुछ फिनिशिंग का काम बाकी है, जैसे ऊपर हल्का पुल्का जो इन्होंने काम किया ना धब्बे वगैरह लग गए हैं, तो ये सारा कलर वगैरह जो है वो इनको करेक्ट करना पड़ेगा। ये जैसे ये धब्बे लगे हुए हैं ये जो है ना इनको करेक्ट करना पड़ेगा, तो ये इंशाल्लाह कल होगा। कुरान खानी भी कल होगी इंशाल्लाह, और ब्लॉग को भी यहाँ पे हम एंड करेंगे। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, क्योंकि अभी आप देख लें टाइम क्या हो गया, 1 बज गया भाई। आज सबसे ज़्यादा लेट हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आगे पीछे सब कुछ बंद हो गया, सिर्फ हम लोग बैठे हुए। तो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि कल बस ये काम जल्दी जल्दी फिनिशिंग हो जाए सब कुछ, तो जोहर के टाइम में इंशाल्लाह जो है ना कुरान खानी होगी, तो वो आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।